मैंने एक आप लोगों से वीडियो बनाई थी, हाईएस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस, मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी होती है, ज्यादा सैलरीज मैकेनिकल इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ये सब मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वीडियो, सॉरी, जो अभी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, ये है वर्स्ट पेड जॉब्स इन जर्मनी, वो प्रोफेशंस जिनकी तनख्वाह या जिनकी पे जो है वो सबसे कम है जर्मनी के अंदर, वो कौन से हैं। हाईएस्ट पेड की तो सब बात करते हैं, अभी देखते हैं कि वर्स्ट पेड का क्या हाल है और वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं। स्क्रीन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। ये आ गया जी। हाँ जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं जर्मन में है, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट साथ साथ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है कि डी अम schlechtesten bezahlten Berufe im Überblick ohne Personalverantwortung, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वर्स्ट पेड प्रोफेशंस हैं, और ओने पर्सनल फॉर्टूंग का मतलब है कि जिसमें आपने कोई टीम लीड नहीं करनी होती, यानी कि आपके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी और बंदे की। ये मीडियम सैलरी है और ये पर ईयर है विदाउट टैक्स, इसके ऊपर टैक्स भी कटेगा। जो ब्रूटो है वो अलग होती है, वो होती है ग्रोस, और जो नेटो होती है वो आफ्टर टैक्स होती है। तो ये बिफोर टैक्स जो सैलरी है, हम जाते हैं इस कॉलम के ऊपर, ये आप देख रहे हैं दुष्णित गहाल, दुष्णित कहते हैं एवरेज को। ये जो सबसे आखिरी कॉलम है ये पर ईयर सैलरी है एवरेज, और ये है नंबर वन प्लेसेस 1, 2, 3, 4, और बेगूफ कहते हैं प्रोफेशंस को। ये सारे प्रोफेशंस मैं आपको भी बताता हूँ ये कौन कौन से प्रोफेशंस है। इसमें ये एक बात आप लोग जहन में रखें कि ये जो है ना, ये एक एस्टिमेशन है, ये इस जो तनख्वाह होती है ना उसका फैक्टर बहुत चीज़ों पर होता है, उसका फैक्टर उसका डिपेंड करता है, मैंने बहुत वीडियोज़ में पहले भी बताया कि आप जो है वो किस शहर में है, बड़े शहर में है, छोटे शहर में, ईस्ट जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में, उसके बाद जो है वो आपका अपना जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आपका आप अभी फ्रेश स्टार्टर हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी जो है उसका साइज क्या है, कंपनी के पास फंडिंग कितनी है, आपकी अपनी निगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एवरेज हम ये देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये gehalt.de की स्टडी है, ये एक मशहूर पोर्टल है, ये 2019 का है, लेकिन ये हमेशा सैलरीज के ऊपर सर्वे करता है। क्यूशन हिल्फा नंबर एक पे है, जिसकी वर्स्ट सैलरी है जर्मनी में। क्यूशन हिल्फा जो कहते हैं, जो किचन हेल्पर्स होते हैं, आप उनको कुक्स वगैरह कह लें, इनकी 23,000 यूरो साल की सैलरी है, और ये इसके ऊपर टैक्स भी कटता है। ये मैं आपको बताऊं कि ये कई बड़े शहरों में ये सैलरी, ये समझ लें कि ज़्यादा ही है, इससे भी कम होती है। फ्रीज़र सेकंड नंबर पे है, फ्रीज़र कहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट को, जो जुल्फी जुल्फ तराश, जो बाल काटने वाले हैं, उसकी है 24,434 यूरो साल की एवरेज। तीसरे नंबर पे है कैलना जो है वो कहते हैं वेटर को, जो वेटिंग टेबल्स करते हैं रेस्टोरेंट्स में। ये भी मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी थोड़ी ज़्यादा ही है, 24,000 पर ईयर, इसके ऊपर टैक्स भी कटता है। फिर आ जाता है कॉल सेंटर एजेंट, चौथे नंबर पे 28,000 यूरो। फिर क्या है, रिसेप्शनिस्ट 27,000 यूरो। फिर आगे आ गया कासन पेजोनाल, कासन पेजोनाल जो हैं ये जो कैशियर्स होते हैं, जो कासा पे बैठते हैं, ये उनकी एवरेज सैलरी है। फिर आ गया कॉख, अच्छा ये कॉख और पहले नंबर पे क्यूशन हिल्फा था, क्यूशन हिल्फा में जो है ना वो कोई भी किचन एड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप कुक ही हो, क्योंकि किचन में बहुत लोग काम करते हैं, सारे जो है वो खाना नहीं पका रहे होते, हेल्पर्स भी होते हैं। तो कॉख जो है, जो कुक है, उसकी 29,000। सान आर्ट्स हेल्फा, ये सान आर्ट्स हेल्फागन, मेल फीमेल दोनों को उन्होंने लिखा हुआ है। सान आर्ट्स जो है वो डेंटिस्ट को कहते हैं, सो हर डेंटिस्ट के पास जो है वो असिस्टेंट्स होते हैं, जो उनको इक्विपमेंट्स वगैरह पकड़ाते हैं, जो पेशेंट को सेट करते हैं जब डेंटिस्ट आके कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता है। कितनी है, 29,461 साल की। नौवें नंबर पे है फ्लेगर पर्सोनल, फ्लेगर पर्सोनल होते हैं जो केयर पर्सन आप कह लें, जो ओल्ड पीपल होम्स होते हैं उसमें केयर कर रहे होते हैं, या और भी इस तरह के सोशल वर्क्स जो कर रहे होते हैं वहाँ पे केयर पर्सनल्स जो होते हैं, या जो बीमार लोग होते हैं उनकी। दसवें नंबर पे है बेगूफ क्राफ्ट फागा, ये होता है भाई आपका कह लें कि एल्कावे, आपका ट्रक ड्राइवर, या वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क डिलीवरी करते हैं। 30,000, ये इसकी सोर्स है gehalt.de वेबसाइट की।
तो ये आप देख लें कि वर्स्ट पेड प्रोफेशंस हैं, मगर मैं इसमें ये कह दूं कि ये उन्होंने सर्वे तो किया हुआ है, ये ठीक ही है सर्वे जो भी उन्होंने किया हुआ, लेकिन इसको दिल पे मत ले लेना अगर आपका इसमें से कोई प्रोफेशन है तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे बर्लिन है, ठीक है, बर्लिन में सैलरीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बर्लिन में रहने के और बड़े एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो शायद आपको और किसी बड़ा शहर हो, जो स्टुटगार्ट या डुसेलडॉर्फ इस तरह के जो शहर हैं शायद वहाँ पे ना हो, उनका लाइफस्टाइल जो है वो आपको पसंद ना हो, ठीक है, वो छोटे हैं इससे, वो इतने ज़्यादा खैर ये बड़ी एक इंडिविजुअल चॉइस आ जाती है कि आपको कौन सा शहर पसंद है, लेकिन बड़ा डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो शहर कौन सा है, वो कंपनी कौन सी है, नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, कंपनी बड़ी है तो शायद वो आपको ज़्यादा भी पैसे दे दें, मगर मोर और लेस ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि जो वर्स्ट पेड प्रोफेशंस हैं जर्मनी के अंदर वो कौन से हैं, ठीक है, एक समझ लें कि एक हेड्स अप आप लोगों के लिए।